नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के इस वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 26 जुलाई तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 10 अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबका हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीकली सेशन करते हैं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सब का हम यहां एनालिसिस करते हैं। ज्यादा आप पे प्रेशर ना पड़े इसीलिए हम वीकली सेशन करते हैं। और इसके अलावा एक और शो आता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पर, उसका नाम है दी करंट अफेयर शो। वो आपको सोमवार से शुक्रवार प्रत्येक रात को 9 बजे मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और जहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप यहां से बखूबी कर सकते हो। और हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाते हैं या टॉपिक को उठाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इन सेशन से जुड़कर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो। कौन कौन सा सेशन है वो? पहला आपका वीकली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो कि आपको प्रत्येक सोमवार को मिलता है शाम को 7 बजे के आसपास। और दूसरा हमारा सेशन है सोमवार से शुक्रवार प्रत्येक रात को 9 बजे दी करंट अफेयर शो के नाम से वो शो आता है। तो उसके माध्यम से भी आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। इस पर हमने दी करंट अफेयर शो में एक ब्रीफ में एनालिसिस किया था। तो अगर आपको इस टॉपिक को ब्रीफ में एनालिसिस करना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसका ब्रीफ एनालिसिस देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड तो उसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस पॉलिसी को तैयार किया गया है के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर। के कस्तूरी रंगन समिति जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंप दी थी। 2017 में इस समिति का गठन किया गया था और इस पॉलिसी को पब्लिक किया गया कब? 2020 में, कुछ दिन पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये आज़ाद भारत का तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में पहला एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके बाद दूसरा एजुकेशन पॉलिसी आपका 1986 में आया। हालांकि 1992 में भी एक पॉलिसी आई थी लेकिन वो 1986 के पॉलिसी में ही कुछ सुधार किया गया था और कुछ चीज़ों को जोड़ा गया था लेकिन उसे हम एक नई पॉलिसी के रूप में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये आजाद भारत का तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का अब 6% खर्च किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। इससे पहले 4.3% के आसपास जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, अब 6% तक खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 10+2 का जो प्रोविज़न हुआ करता था पहले स्कूल एजुकेशन में उसे ख़त्म करके 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस पर हमने ब्रीफ से एनालिसिस किया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो इस एजुकेशन पॉलिसी को तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके दी करेंट अफेयर शो वाला वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो HRD मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसका नाम बदल दिया गया है और अब उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे यानी कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। इसके अलावा मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर भी फोकस किया जाएगा यानी कि 5th क्लास तक के बच्चों को उनके मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा या फिर उनके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इस बात पर भी फोकस किया गया है। इसके बाद जो 8th क्लास होगा इसमें विदेशी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद इंटर्नशिप की भी व्यवस्था स्कूली एजुकेशन में ही किया जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचर्स की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए NPST यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का भी विकास किया जाएगा ताकि यहाँ पर शिक्षकों की जो क्वालिटी है उनका स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जा सके और उन पर भी ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम बात करें क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की तो जो 2018 के अनुसार 26.3% है उसे 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध करवाया जा सके
इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाएगा, यानी कि स्टैब्लिश किया जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, दी करेंट अफेयर्स वाला, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ से आपका बहुत हद तक रिविज़न हो गया होगा, अगर आपने वो देख लिया होगा तो। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गंदगी मुक्त भारत अभियान। इस साल 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने वाला है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। उस कैंपेन का नाम है गंदगी मुक्त भारत अभियान, जिसकी शुरुआत की गई है 8 अगस्त को और जो कि चलेगा 15 अगस्त तक, जिसका उद्देश्य है समुदाय में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। और आप इसे एक थीम के रूप में देख सकते हो, एक सप्ताह स्वच्छता के नाम। तो यह जो कैंपेन शुरू किया गया है एक साप्ताहिक कैंपेन है, 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इसे शुरू किया गया है, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। तो इस कैंपेन के बारे में याद रखिएगा, वन डे एग्ज़ाम के लिए ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में भी एनालिसिस किया था, थोड़ा सा यहाँ पर और एनालिसिस कर लेते हैं और आखिर जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है। तो 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए का फंडिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1,00,000 करोड़ रुपए का फंडिंग किया गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसी दिन प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना, जिसे कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जानते हैं, उसकी छठी किस्त के तहत 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डाला गया है। पीएम किसान निधि योजना के बारे में हम जानते हैं, इसे शुरू कब किया गया था, 2018 के इंटरिम बजट में, जिसके तहत प्रत्येक साल किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये डाला जाएगा, 2,000 रुपये के किस्त में। तो ये छठी किस्त अभी हाल ही में जारी किया गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिस पर कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला था जुलाई 2020 यानी कि इसी वर्ष में। यह एक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फंड होगा जो कि मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण करेगा। किसको यह वित्त पोषण करेगा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को, इसके अलावा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इसके अलावा मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव्स को। यह 1,00,000 करोड़ रुपए इस फंड के माध्यम से इनको बूस्ट करने के लिए प्रदान किया जाएगा, ताकि इनके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूस्ट हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं इन्हीं के माध्यम से तो लोन लेते हैं। तो जब इनकी शक्ति बढ़ेगी, इनके पास में फंड होगा, तो ये किसानों को अच्छे और सस्ते दर पर लोन दे सकेंगे, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट होगा। और इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्टेब्लिश किया गया है इसी साल जुलाई 2020 में, जिसमें अब 1,00,000 करोड़ रुपए जो है वो डाला गया है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है राफेल फाइटर जेट के बारे में। फ्रांस से हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान जो हैं हाल ही में पहुँच चुके हैं, और ये लड़ाकू विमान का पहला खेप भारत पहुँचा है। टोटल 31 लड़ाकू विमान जो हैं वो भारत आने हैं, और इस 5 लड़ाकू विमान को अभी दिया गया है इंडियन एयर फोर्स के नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक भी जान लेते हैं। सितंबर 2016 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर रहे मनोहर पर्रिकर ने राफेल डील पर हस्ताक्षर किया था फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के साथ में मिलकर, जिसमें 2021 तक टोटल 36 लड़ाकू विमानों पर हस्ताक्षर हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है कि 2021 तक टोटल जो हैं वो 36 लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान, वो भारत को दे दिए जाएंगे। और अभी
भी 5 लड़ाकू विमान राफेल का जो है वो भारत पहुंच चुका है। और अभी भारतीय वायुसेना के कौन से रेजिमेंट को दिया गया है इस बात पे भी ध्यान रखिएगा, और इस बात पर भी ध्यान रखिएगा टोटल कितने राफेल फाइटर जेट आने हैं इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, डील कब हुआ था इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और फीचर्स जान लेते हैं राफेल फाइटर जेट से रिलेटेड। इसे 2001 में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यह लगभग 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान की रेंज तकरीबन 3700 किलोमीटर की होगी, यानी कि रेंज कहने का मतलब है कि यह एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अपने साथ एक बार में 9500 किलोग्राम का बम और गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। यहाँ पर एक बार में 3700 किलोमीटर का उड़ान भर सकता है, लेकिन इसको हवा में ही रिफ्यूलिंग करने के बाद इसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक खास बात यह है कि इसे हवा में ही रिफ्यूलिंग भी किया जा सकता है। तो राफेल फाइटर जेट से रिलेटेड आपको इतने पॉइंट्स को यहां पर ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का पहला किसान रेल, जिसे कि 7 अगस्त 2020 को भारत का पहला साप्ताहिक किसान रेल महाराष्ट्र के देवालाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया गया। तो सबसे पहले पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यह किसान रेल का जो अनाउंसमेंट है वो इसी साल के बजट भाषण में किया गया था। यह किसान रेल इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो जल्द ख़राब होने वाली जैसे फल फूल सब्जियां हो गई जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर कुछ डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या फिर उसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है, तो इसीलिए शुरू किया गया है भारत का पहला किसान रेल। ठीक है, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसे कहां से कहां तक शुरू किया गया है ये याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, अनाउंसमेंट याद रखिएगा कि इसी साल के बजट में 2020 और 21 के बजट भाषण में किया गया था। इसमें 11 विशेष रूप से निर्मित पार्सल कोच भी होंगे जो चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज का भी काम करेंगे। ठीक है, तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बस आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है डेयर टू ड्रीम चैलेंज। इस चैलेंज को शुरू किया गया है किसकी तरफ से, DRDO की तरफ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यह एक इनोवेटिव कैंपेन है डेयर टू ड्रीम, और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अगर मैं बताऊं तो 27 जुलाई को किया गया। और इस दिन क्या खास है, इस दिन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज होगा जो देश का कोई भी इनोवेटर्स या फिर स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। DRDO का जो मुख्य उद्देश्य है इस चैलेंज को शुरू करने का वो ये है कि देश में नए नए टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा सके, और इन इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स की मदद से जो है देश में टेक्नोलॉजीज का विकास किया जा सके और इन्हें मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो हमने कई वीडियो में DRDO के बारे में तो एनालिसिस कर रखा है, पिछले वीडियो में भी शायद किया था। इस वीडियो में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु है 2015 में 27 जुलाई को हुआ था, जब IIM शिलोंग में स्पेस दे रहे थे उसी समय हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। 2002 से और 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और जब ये राष्ट्रपति रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। पोखरण 1998 में जब पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था तो उसमें इनकी मुख्य भूमिका थी। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण, 1981 में इन्हें पद्म भूषण, और 1997 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो भारत का विल्लर द्वीप है जहां पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, सितंबर 2015 में इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रख दिया गया, यानी कि इन्हीं के नाम पर कर दिया गया। आपके लिए यहां पर एक प्रश्न है, आंसर जरूर कीजिएगा, विल्लर द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोर टुगेदर अभियान का दूसरा चरण। हमने इसके पहले चरण के बारे में भी एनालिसिस किया था। यह जो कैंपेन है इस कैंपेन को शुरू किया गया है फेसबुक द्वारा
भारत में इस कैंपेन का पहला चरण शुरू किया गया था मार्च इसी साल 2020 में, जब भारत में कोविड-19 का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसका दूसरा चरण जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य फोकस है वो अपने एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, जो भी यूज़र्स हैं और जो भी उनके संपर्क में है, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उन तक सकारात्मक पहल पहुंचाया जा सके और चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे फेसबुक पे प्रमोट करना है उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए फेसबुक ने इस कैंपेन को शुरू किया है। तो याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मोर टुगेदर कैंपेन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, गूगल, फेसबुक, एप्पल, इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सही जवाब होगा वो आपका फेसबुक होगा, ठीक है। और इसे टोटल 8 भाषाओं में टेलीकास्ट किए जाने का भी इसमें प्रोविज़न है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस कैंपेन के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित। इस पर भी हमने एक ब्रीफ एनालिसिस किया था, लेबनान की राजधानी बेरूत में जिस प्रकार से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ उस पर हमने दी करंट अफेयर्स में एक ब्रीफ एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले अगर आप इसका एनालिसिस ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। उस आई बटन पर क्लिक करके बेरूत में जिस प्रकार से धमाका हुआ और उसके सारे रीज़न, बेरूत का लोकेशन किस प्रकार से है, अमोनियम नाइट्रेट की वहाँ पर भूमिका किस प्रकार से रही, सब कुछ एनालिसिस किया है। तो ब्रीफ में देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ विस्फोट के कारण को जानना है तो यहाँ से भी आप जान सकते हो, और जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं यहाँ से उनका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ऐसा वहाँ के अधिकारियों का कहना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसे आमतौर पर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, खेती में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत घुलनशील होता है, मिट्टी को बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व देता है। जब अमोनियम नाइट्रेट ईंधन के तेलों के साथ में संयुक्त किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोटक के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल या फिर खदानों में भी अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो इस्तेमाल होता आया है। इसके बाद इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना होता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला ये रहा NH4NO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अरब जगत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसका शुरुआत किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसका नाम है बाराका परमाणु संयंत्र। इस बात को याद रखिएगा, यह पहला परमाणु संयंत्र है पूरे खाड़ी देशों का, जो कि स्थित है अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी कुल क्षमता 5000 मेगावाट का होगा और यह जो है यूएई को टोटल 25% तक इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा सा यूएई के बारे में भी जान लेते हैं। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। 1973 से लेकर 1947 तक यह ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। कैपिटल है इसका अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी दुबई, ऑफिशियल लैंग्वेज इसका अरबिक है, रिलीजन इसका इस्लाम है। टोटल एरिया अगर हम देखें तो 83,600 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 98,90,400, ये 2020 का एस्टिमेटेड है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब भी आप लोग नीचे ज़रूर दीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो ज़रूर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो सर्च करके भी दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है, मस्ट इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो वहाँ के सबसे पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अब मनोज सिन्हा को वहाँ का दूसरा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दूसरा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा की अगर हम बात करें तो 1996 में यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से वहाँ सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीता और ये कैबिनेट में मंत्री भी बने, और अब जो है इन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद एक और
न्यू अपॉइंटमेंट, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को 7 अगस्त 2020 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और ये वर्तमान में इसी आयोग के सदस्य थे और ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, यानी कि यूपीएससी में पहले जो प्रेसिडेंट थे वो अरविंद सक्सेना थे और अब कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 के तहत किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं और इन सब का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि या फिर 65 साल की उम्र पूरी होने तक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। तो आर्टिकल 316 के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंट किया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, जीसी मुर्मू को नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपॉइंट किया गया है। जीसी मुर्मू इससे पहले कौन थे, वो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे और अब उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया है भारत सरकार का। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 8 अगस्त 2020 को इनको राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया गया है। यह भारत के कैग के रूप में शपथ लेने वाले पहले आदिवासी हैं। इन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है, यानी कि इनसे पहले जो कैग थे वो राजीव महर्षि थे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सबसे पहले इसका देख लेते हैं। आर्टिकल 148 कैग की नियुक्ति शपथ और सेवाओं से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 149 जो है कैग के कर्तव्यों और इनके पावर से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 150 केंद्र और राज्यों का जो भी ऑडिट होता है उसका रख रखाव जो राष्ट्रपति कैग को सलाह देता है उससे संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 151 जो कैग द्वारा यानी कि इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। तो ये इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ से आप रिवीजन कर ले, बाकी आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि कैग आखिर करता क्या है। तो कैग का काम होता है कि भारत के कंसोलिडेट फंड से जो भी खर्च किया जाता है उसका ऑडिट करना और यह काम जो है हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कैग द्वारा किया जाता है। जो भी कंसोलिडेट फंड से पैसा निकलता है या खर्च होता है उस पर यह ऑडिट करता है। इसके अलावा जो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकलता है उस पर भी यह ऑडिट करता है, चाहे वो राज्य से निकले चाहे वह भारत सरकार से निकले, उन सब का ऑडिट करने का काम जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ही होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन का 78th एनिवर्सरी हाल ही में मनाया गया। कब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कब ये एनिवर्सरी मनाया गया, तो 8 अगस्त 2020 को। कौन सा एनिवर्सरी मनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 78th एनिवर्सरी मनाया गया और इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में हुआ था। इसी दिन महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में ब्रिटिश राज्य को पूरी तरह से समाप्त करना था, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो ड्राफ्ट है वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और 8 अगस्त 1942 के सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे स्वीकृत किया था और यहीं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को। तो इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के संरक्षण से संबंधित एक टाइगर
सबमिट आयोजित किया गया था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न और है, सेंट पीटर्सबर्ग कौन से देश में स्थित है? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर सबमिट हुआ था यहीं से आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाना शुरू किया गया। इसके बाद अगले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, टाइगर डे है तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उसका 70% टाइगर भारत में ही रहते हैं। देश में जो 2018 में रिपोर्ट रिलीज हुई उसके अनुसार 2967 यानी कि लगभग 3000 के आसपास इस वक्त देश में टाइगर हैं, जबकि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 3900 बाघ ही बचे हुए हैं। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। एक सवाल आपके लिए यहाँ पर और है कि भारत में सर्वाधिक टाइगर कौन से राज्य में पाए जाते हैं? इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कई बार हमने इस पर एनालिसिस भी कर रखा है। तो आज के इस वीकली नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर में इतना ही। जितने भी इस बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन सब का हमने एनालिसिस किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटा है। तो इस वीकली सेशन के माध्यम से अगर आप इंडिया में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो करेंट अफेयर की तैयारी बखूबी कर सकते हो। इसके अलावा रात को जो हमारा दी करेंट अफेयर शो आता है, अगर दोनों को आप कवर कर लेते हो तो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर का भी सारा पोर्शन जो है आपके सिलेबस के हिसाब से कवर हो जाएगा। तो आप इस वीकली सेशन से तो आप जुड़िएगा ही, इसके अलावा दी करेंट अफेयर शो जो रात को 9 बजे आता है उससे भी जरूर जुड़िएगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।